गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर यूनिट 9, नेमली ऑल इज नॉट लॉस्ट। ये सबक नंबर 9 है। हम आज इसके ना सवालों के जवाब पढ़ेंगे। ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मंदरजा ज़ैल जो सवालात हैं इनके आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द नर्स आस्क हिराज सिस्टर टू कम एंड टॉक। पहला सवाल है, नर्स ने हीरा की बहन को क्यों कहा कि वो आकर उससे बातें करे। अब इसका जवाब देखें। आंसर, द नर्स आस्क्ड हीराज सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर थिंकिंग द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिव द नियरली डेड न्यूरॉन्स। नर्स ने हीरा की बहन को इसलिए बुला कर उससे बातें करने को कहा क्योंकि इस बात का इम्कान था कि किसी करीबी अजीज से बातें करना इसके असबी खुलियों को मुतहरिक कर सकता था। अगला सवाल देखें, दूसरा सवाल, Why did the nurse disagree with the doctor's point of view? देखें, कह रहे हैं नर्स ने डॉक्टर की राय से इख्तिलाफ क्यों किया था। अब इसका जवाब देखिएगा। आंसर, द नर्स डिसएग्रीड विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज शी थाट that proper care and attention could make her patient recover soon. नर्स ने डॉक्टर की राय से इख्तलाफ इसलिए किया क्योंकि उसके ख्याल में मुनासिब देखभाल उसके मरीज के जल्द सेहतयाब होने में मदद दे सकती थी। तीसरा सवाल, व्हाई डिड द नर्स आस्क हरसेल्फ द क्वेश्चन, वाज इट वर्थ वाइल टू अपोज एंड फाइट द डिसीजन ऑफ सीनियर एंड मोर क्वालिफाइड सर्जन्स। नर्स ने खुद से ये सवाल क्यों किया, क्या अपने से सीनियर और ज़्यादा तालीम याफ्ता जराह के फैसले से लड़ना और मुखालफत करना ठीक है। अब इसका जवाब देखें। शी वाज सबऑर्डिनेट एंड कुड नॉट गो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सीनियर एंड मोर क्वालिफाइड सर्जन्स। शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू रिकंसीडर हर जजमेंट अबाउट द पेशेंट। वो एक मातहत थी और अपने से सीनियर और ज़्यादा तालीम याफ्ता जराह के ख़िलाफ़ भी नहीं की जा सकती थी। उसने ये सवाल मरीज़ के बारे में अपने राय पर नज़रसानी करने की गर्द से पूछा था। चौथा सवाल देखें, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स। कह रहे हैं नर्स की खूबियां बयान कीजिए। जवाब देखें, द नर्स हैज़ मैनी क्वालिटीज़। शी इज़ ड्यूटीफुल, रेस्पेक्टफुल, काइंड, कंसिडरेट एंड अबव ऑल कमिटेड टू हर प्रोफेशन। नर्स कई खूबियों की हामिल है। वो फर्जशनास, मुअद्दब, मेहरबान, ख्याल रखने वाली और सबसे बढ़कर अपने पेशे से मुखलिस है। आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कह रहे हैं नर्स ने ये क्यों कहा, जहाँ चाह वहाँ रहे। अब देखें, नर्स ने ये क्यों कहा, जहाँ चाह वहाँ रहे। इसका जवाब हम पढ़ने लगे। आखिरी सवाल है, आंसर, द नर्स हैड डन एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल गोल। शी फेल्ट अ रिन्यूड
renewed strength in her, so she uttered this phrase. अब जवाब देखें इसका, फुल तवज्जो दें. नर्स ने तकरीबन एक नामुमकिन काम को सरंजाम दिया था. वो अपने अंदर एक नई तवानाई महसूस कर रही थी, इसलिए उसने ऐसा कहा. थैंक यू, नाइस टू सी यू, बड़ा लव, थैंक्स, टेक केयर ऑफ़ यू, गॉड प्रोटेक्ट यू, अल्लाह हाफिज़. प्लीज़ ऑल दोज हु आर लिसनिंग और ऑल दोज हु आर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो.